अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम FSC पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यानी कोई भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके गिर्द जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो उस फील्ड में अगर हम कोई एरिया रखते हैं, तो उस एरिया में से, मतलब एरिया जो है वो हम कोई भी सर्कुलर लूप रखेंगे या स्क्वायर लूप बना के रखेंगे, तो उसमें से जितनी भी लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी, दैट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड फ्लक्स. और मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड द वेक्टर एरिया ए. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ज़ाहिर है वो डॉट प्रोडक्ट है तो एक स्केलर क्वांटिटी होगा. इसको हम डिनोट करते हैं बाय अ ग्रीक लेटर फाई. ठीक है, बाय अ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई. ठीक है, तो इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको नंबर ऑफ लाइंस को शो किया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, और नंबर ऑफ लाइंस में एरिया जो है वो रखा हुआ है, तो ये एरिया जो है वो नज़दीक है, इसमें ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, ये एरिया दूर है, इसमें कम लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो इस वाले एरिया में फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस वाले एरिया में फ्लक्स की वैल्यू कम होगी. मज़ीद हम यहाँ से इसकी यूनिट भी देख सकते हैं, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए. ई की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम. और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. इस तरह फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स को शो कर रही हैं. उसके अंदर हमने ये एरिया जो है हमने रखा है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है. इसमें जो इस सरफेस एरिया में जो वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन होगी, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन में होगी. और इसका आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया ए का ई के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है. तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हम लिखेंगे फाई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा. इसमें कॉस ऑफ थीटा इसलिए रखा है कि ए का हमने वो कंपोनेंट लेना है जो कि ई के अलॉन्ग होगा, ई की डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इसके ए के हम अगर कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं तो एक ए साइन थीटा कंपोनेंट होगा जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये उसका ए कॉस थीटा होगा जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. तो हमने इस वेक्टर ई को इस वेक्टर या ए के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन आएगी फाई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा. और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो किया हुआ है. ये एक शीट है चार्जेस की, जिस पे पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये इसकी लाइंस ऑफ फोर्स को वेक्टर फॉर्म में शो किया हुआ है. उसके आगे हमने एरिया को रखा हुआ है, और ये जो एरिया है उस शीट के पैरेलल में है, लेकिन इसमें जो वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी. इसमें मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पास हो रही हैं, और इसमें भी यही चीज़ दिखाई हुई है. और इसमें आप देख सकते हैं कि ई जो है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो सरफेस एरिया है उसका ई के साथ थीटा एंगल बन रहा है. तो इसलिए हम इसको जब थीटा एंगल बन रहा होगा तो फिर हम लिखेंगे ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस ऑफ थीटा. तो इसमें जो इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं होगी, बल्कि मैक्सिमम से कुछ कम होगी. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो तीन केसेस को स्टडी किया हुआ है. फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और इसमें जो एरिया है उसको हमने इस फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा है, लेकिन जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, इस सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर. तो इस तरह ई और ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ज़ीरो है, और कॉस ज़ीरो वन होगा. तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो है ई ए कॉस ज़ीरो वन होने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू सिंपल फाई विल बी इक्वल टू ई ए होगी, और ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है उसका ई के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम से कुछ कम वैल्यू होगी. और यहाँ पर जो है एरिया अपवर्ड है, परपेंडिकुलर है, और जो ई है वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 का है.
तो cos 90 दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, यानी फर्स्ट केस में मैक्सिमम, सेकंड केस में दरमियानी वैल्यू है, इंटरमीडिएट है, और थर्ड केस में ज़ीरो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, तो यहाँ पर हमने एक एरिया को इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें से लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास हो रही हैं, तो यहाँ पर भी जो इनके दरमियान में एंगल है ए के और ई के दरमियान में वो ज़ीरो है, तो cos 0 वन होने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू ई ए। यहाँ पर अगेन जो है वो थर्ड केसेस, थ्री केसेस को हम देखते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पर एरिया को डी एस से शो किया हुआ है, एरिया को आप ए से भी शो कर सकते हैं, डी ए से भी शो कर सकते हैं, और डी एस से भी शो कर सकते हैं। तो इस केस में, फर्स्ट केस में आप देखें एंगल बन रहा है डी एरिया में और ई के दरमियान में, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा होगी। सेकंड केस में ई और एरिया डी एस जो हैं वो पैरेलल हैं, थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा cos 0 वन होगा और ई डी एस आएगा फ्लक्स की वैल्यू। थर्ड केस में थीटा की वैल्यू जो है वो 90 है, तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा इसका इसी से मुतालिक जो है नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्फिस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसमें जो हम सर्फिस लेते हैं वो क्लोज सर्फिस होती है, और उसके अंदर जो है वो एक चार्ज होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉल या कोई भी क्लोज सर्फिस हो। यहाँ पर ये सर्फिस जो है वो स्फेरिकल दिखाई हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल हो, बल्कि वो इरेगुलर शेप भी हो सकती है। तो जिस टाइप की भी शेप होगी हम उसकी सर्फिस को क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, और इसमें से हर एक पैच के लिए हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर टोटल फ्लक्स जो हम फाइंड करेंगे तो उन तमाम फ्लक्सेस को ऐड करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो हम प्रूव करने जा रहे हैं, फाई विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक पैच को दिखाया हुआ है, इसी पैच को बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एरिया की डायरेक्शन भी वही है और जो ई है उसकी डायरेक्शन भी वही है। तो अगर तो ये स्फेरिकल केस है तो इसमें एरिया की और ई की डायरेक्शन सेम होगी, और उनके दरमियान में जो एंगल है वो ज़ीरो होगा और cos 0 वन, तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सिंपल ई डेल ए आएगी। अगर ये स्फेरिकल शेप नहीं है, इस टाइप की शेप है, इरेगुलर शेप है, तो उसमें भी चार्जेस जो हैं वो सेंटर में होगा, तो उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो चारों तरफ से आउटवर्ड जा रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थीटा एंगल बन रहे हैं ए में और ई में, तो यहाँ पर डिफरेंट पैचेस में जो है ई और ए आपस में पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि उनके दरमियान में एरिया होगा, थीटा एंगल होगा, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि वो इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू जो है वो आएगी। तो फिलहाल हम स्फेरिकल केस ले रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है। सपोज हमने उनको डिफरेंट पैचेस में डिवाइड किया है जिनके एरियाज जो हैं वो डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन, डेल्टा ए एन है, और हर एक एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई वन, ई टू, ई थ्री एंड सो ऑन, ई एन है। तो हम हर एक पैच के लिए अलग अलग फ्लक्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट पैच के लिए फाई ई वन is equal to E1 dot delta A1. Similarly for second patch phi E2 equal to E2 dot delta A2. इसी तरह हम तमाम पैचेस का फ्लक्स जो है वो फाइंड करके उनको ऐड करेंगे, ताकि टोटल फ्लक्स जो है वो हम फाइंड कर सकें। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स phi विल बी इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सो ऑन phi n, उनकी वैल्यूज phi1 विल बी इक्वल टू E1 dot delta A1 प्लस फाई टू विल बी इक्वल टू ई टू डॉट डेल्टा ए टू प्लस सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्फेरिकल केस में चूंकि हमने देखा है कि थीटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी और cos 0 वन होता है, तो डॉट ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की हर पैच के लिए होगी ई वन डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन। चूँकि स्फेरिकल केस में सेंटर में चार्ज होगा, तो हर पैच के लिए ई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको कॉमन ले सकते हैं, तो ई बाहर आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस सो ऑन डेल ए एन। तो इन तमाम एरियाज को जो सम होगा वो एक्चुअली उस स्फीयर के टोटल एरिया के इक्वल होगा, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमेशा 4πr² के इक्वल होता है, और ई की वैल्यू पुट की है हमने 1/4πε0qr², इसमें 4π और r² जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी q/ε0 बचेगा, जो कि फ्लक्स की वैल्यू है फॉर ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग आर चार्ज।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं, तो इनका फ्लक्स जो होगा वो इन तमाम चार्जेस के सम की वजह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्फीयर का एरिया है वो 4πr² है और ई की वैल्यू आप पीछे पढ़ चुके हैं k³/r², तो के की वैल्यू जो है वो क्या है, 1/4πε₀। तो इसमें आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये आएगी ई की वैल्यू k³/r² और ए की वैल्यू है 4πr², r² कैंसिल हो गया, 4πkq, और फिर हमने इस k की वैल्यू भी पुट कर दी तो इसमें 4π भी कैंसिल हो गया, बाकी q/ε₀ जो है वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ से इसके हम यूनिट देख सकते हैं, क्यू की जो यूनिट है वो कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम, तो इसमें जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है EI, ये इरेगुलर शेप है हमारे पास, इसको भी इसी तरह हम डिफरेंट पैचेस में डिवाइड करेंगे और हर पैच को जो है डिफरेंट नेम्स रख सकते हैं। इनमें से हम कोई सा एक पैच, सपोज आईथ पैच जो है हम लेंगे, तो EI डेल डॉट डेल AI कॉस ऑफ θi डॉट नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम कॉस को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगर हम कॉस को नहीं लिखेंगे तो फिर हम डॉट लगाएंगे। तो इसमें पैचेस जो हैं वो इतने स्मॉल होंगे कि अगर हम इन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट डेल ए अप्रोच टू 0, इतने स्मॉल पैचेस होंगे कि वो नियरली 0 को अप्रोच कर रहे होंगे, और उन तमाम पैचेस का सम जो है इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे, EI डॉट डेल्टा AI, और इस पूरी चीज़ को यानी कि लिमिट और सिग्मा को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ का, एक पैच का फ्लक्स फाइंड करेंगे उसको पूरी सरफेस पे अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस E.dA। तो ये जो है ये चीज़ हमारे पास गॉसियन लॉ बन जाती है, और इसका जो आंसर है पीछे आपने प्रूव किया है q/ε₀, phi विल बी इक्वल टू q/ε₀। तो ये इसमें अगर एक चार्ज है तो हम सिंपल क्यू लिखेंगे, अगर इसमें डिफरेंट चार्जेस हैं सरफेस के अंदर तो क्यू जो होगा उन तमाम चार्जेस का सम होगा। दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन लॉ। ठीक है, आई थिंक इट विल बी क्लियर, थैंक यू।